हेलो गाइस के साथ सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा एक स्टोरी टाइम। अब तक तुम लोगों ने ये चीज आराम से गैस कर ली होगी कि ये होगी 11th की स्टोरी टाइम। मत पूछो कि हर चीज मेरे साथ 11th में क्यों होती है, बिकॉज इसका आंसर मेरे पास नहीं है। तो ये स्टोरी टाइम कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। जब मैं 10th को पास कर चुका था तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं साइंस ले लूं, एंड अपेरेंटली साइंस ने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं इसकी ले लूं। अब साइंस जब मैंने ले ली थी तो देखो साइंस के अंदर क्या होता है, तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री एंड एक है मैथ्स। मैथ्स में मैं काफी अच्छा था, फिजिक्स में मैं ठीक ठाक था एंड केमिस्ट्री मेरे को पसंद नहीं था। अब तुम लोग ये सोचोगे कि इसने साइंस क्यों ली, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा। देखो मैंने साइंस इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को था कोडिंग में इंटरेस्ट, मेरे को पसंद थी प्रोग्रामिंग। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं 11th 12th साइंस कर लूंगा एंड उसके बाद बीटेक सीएस में कर लूंगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूं। अब मैं एंड मेरा ये जो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्लास है, इन सबको ये जो केमिस्ट्री वाला पीरियड है ना, ये बहुत ज्यादा बोर करता था। अब ये चीज बोलने के बाद आगे क्या होता है उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट ये जो बात है ना ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो बैक टू स्टोरी, एक दिन ना बहुत ज्यादा बोर होने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम क्लास बंक करें। अरे अरे क्लास बंक नहीं, मास बंक करें। और मास बंक कैसे किया जाता है, जब क्लास के अंदर कोई होगा ही नहीं तो टीचर किसको पढ़ाएगा। लेकिन हमारे स्कूल में ये चीज करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जिस टाइम पर तुम आते हो वो है 7:30 एंड जिस टाइम पर तुम जाते हो वो है 2। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो वाटर बॉटल्स होती है उसको लिया एंड जैसे ही पीरियड खत्म हुआ हम सब के सब बॉटल भरने चले गए। एंड थोड़ी बहुत मेहनत भी लगी टॉपर को कन्विंस करने में कि यार क्या रखा है क्लास के अंदर, एक काम कर हमारे साथ आजा, मिलके सब लोग बंक मार रहे तू भी मार ले। एंड इसके बाद क्या होना था, सबके सब लोगों ने अपनी वाटर बॉटल निकाल ली, चाहे खाली हो या भरी हो, गोरी हो या काली हो। सो सब लोगों ने क्या किया कि दूसरे विंग के जो कूलर होते हैं उसके पास चले गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर उसी विंग के कूलर के पास रहेंगे तो सर देखकर बोलेंगे स्टूडेंट्स कम इनसाइड द क्लास, मैं पक्का मार खाने वाला हूँ। एंड नॉट गोना लाइक 40 मिनट के पीरियड में से हमने 20 मिनट तो सिर्फ कूलर पे लगाया। एंड अब होता है सबसे बेस्ट सीन, हम सब के सब बॉटल लेके क्लास में जा रहे हैं। जनरली तो ये होता ना कि एक या दो बच्चे पूरे के पूरे क्लास की बॉटल लेकर जाएंगे, भर के वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर सबके सब बच्चे इंडिविजुअली गए अपनी बॉटल को फिल करने के लिए। अब जैसे ही हम लोग क्लास के डोर पे पहुंचे, पहले तो सर ये देखकर शॉक हो गए कि इतनी सारी बॉटल, इतने सारे बच्चे, ये कहाँ गए थे। तो सर ने को पूछा बेटा कहाँ गए थे, हमने बोला सर वो पानी भरने गए थे। बस इसके बाद जिन लोगों के कम मार्क्स थे उनको बाहर रख दिया और बाकी के एक दो टॉपर लोग थे उनको अंदर ले लिया। यही मूवमेंट के लिए तो हम सबको लेकर गए थे। जैसे ही सर ने ये वाली चीज की, हमने सर को बोला सर वो भी तो हमारे साथ थे, हम में और उनमें कोई डिफरेंस था नहीं, तो आपने उनको क्यों बैठने दिया। इसके बाद सर ने बोला यार तुम लोगों की चलो कोई बात नहीं, कोई गलती है नहीं, एक काम करो इसके बाद से मेरे पीरियड के अंदर मेरे को सबके सब क्लास के अंदर चाहिए, कोई भी अगर बाहर जाएगा तो सीधा क्लास के बाहर। अब देखो हमारा हाफ सेमेस्टर जो वो खत्म हो चुका था एंड इसके बाद ना एक बार क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं अब तक नहीं भूल पाया। तुम सबकी तरह मैं भी एक इंसान हूँ एंड मेरी भी हेल्थ कभी तो खराब होगी, राइट। एंड स्कूल तो मैं रोज अटेंड करता था एंड एक दिन ना मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक होने लगा एंड उस टाइम पर ना केमिस्ट्री का क्लास था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना हेड डाउन कर लिया लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे। अब ना मेरे को देखकर मेरे बाजू वाला जो बंदा था उसने भी हेड डाउन कर लिया। अब ये चीज को देखकर सर ने मेरे को और मेरे बाजू वाले को खड़ा किया। अब सर मेरे से पूछ रहे कि हेड डाउन करके क्यों बैठे हो। तो मैंने सर को बोला कि मेरा थोड़ा हेडेक वगैरह हो रहा है इसके लिए मैं हेड डाउन करके बैठा हूं एंड आई डोंट नो, बट सर का रिएक्शन ये था नहीं तुम बैठोगे नहीं, तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ। अब मेरे को तो ये चीज सर ने बोल दी। इसके बाद सर मेरे बाजू वाले को पूछते कि तुम क्यों लेटे हुए थे। उस बंदे ने सर को कोई आंसर नहीं दिया तो सर ने क्या बोला कि तुम जा खड़े हो वहां पर ही खड़े रहो। अब देखो यहां पर आता है एक ट्विस्ट, क्लास में दो लोग नहीं तीन लोग सो रहे थे एंड वो जो तीसरा इंसान था वो थी हमारे स्कूल की वाइस हेड गर्ल। सर ने अब उसको पूछा कि बेटा आप क्यों हेड डाउन करके बैठे हो, उसने बोला सर मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। अब शायद से उसको ये इशू हो सकता है, सर का रिएक्शन क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है उसको भी पनिशमेंट देंगे, नहीं उसको बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है आप जहां पर हो ना वहां पर ही आराम से हेड डाउन करके बैठ जाओ। बस ये पॉइंट पे ना बहुत हो चुका था, लाइक मेरे को बिना वजह एक पनिशमेंट मिल रही है जस्ट बिकॉज मेरा हेडेक हो रहा है एंड दूसरे को आराम से हेड डाउन करके बैठने दिया। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर क्या था, पूरा का पूरा क्लास में पीछे खड़ा रहा, जस्ट लास्ट के 5 मिनट बचे थे एंड सर मेरे को देखकर बोलते सिट डाउन।
मेरा ना इस पॉइंट पे सारा चीज हो चुका था। मैंने अपने मुंह पे ना अच्छी सी लंबी सी स्माइल दी एंड सर को बोला, सर अब क्या फायदा बैठ के, 5 मिनट बचे, मैं इधर सही हूँ। एंड इसके बाद नॉर्मली जैसे डेज जाते है वैसे जाते रहे। बट एक दिन होती है दिक्कत। केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था और मैं एंड मेरा दोस्त जिसको हम इस वीडियो के लिए बोलते हैं बल्लू, हम दोनों बैठे थे लास्ट सेकंड बेंच पे और हमारे पीछे और दो लोग थे। अब वो जो दो पीछे बैठे थे उन्होंने कोई तो हरकत की एंड अचानक से सर ने मुड़ा और हमारी रो को देखने लगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि आवाज दूर से आई है, इसका मतलब कांड लास्ट वालों ने किया। लेकिन नहीं, सर ने मेरे को और बल्लू को बोला स्टैंड अप। अब जब सर ने हमसे पूछा तो हमने तो सच बोला कि सर हमने कुछ नहीं किया, ये पीछे वालों ने किया है। लेकिन ना उस मोमेंट पे ऐसा हुआ कि जो सच था ना उसके सामने मार्क्स आ गए और बस सर सीधा का सीधा प्रिंसिपल मैम के पास गए, मैम को हमारी कंप्लेन कर दी। अगले मोमेंट पे मैम ने हमको बुलवा लिया। अब मैं और मेरा दोस्त बल्लू हम दोनों क्लास के बाहर निकले और बाहर निकल के मैंने उसको बोला, देख क्लास में सीसीटीवी लगा हुआ है तो हम मैम को सच बता देंगे, मैम को बोलेंगे आप खुद चेक कर लो। मस्त प्लान है। जैसे ही हम लोग ऑफिस के अंदर पहुंचे मैम ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बट हमने मैम को फिर भी बोला, मैम हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज आप एक बार ना सीसीटीवी चेक कर लीजिए, वो जो पीछे बैठे है ना उन लोगों ने किया है, हम इनोसेंट है। मैं देखो एक बात ना सच बता रहा हूँ, ये जो क्लास के अंदर तुमने सीसीटीवी को रखवाया है ना, अरे पैसे बर्बाद किए तुमने। शाबाश बेटा। उसके बाद क्या था, एज ऑलवेज मैम ने मेरे को और मेरे साथ बल्लू को भी डांटना शुरू कर दिया। बट तुमको पता है बात कहाँ पर रुकी, मैम ने पूछ लिया मार्क्स। अब देखो नॉट गोना लाई, मेरे सीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, यूनिट 1 में मेरे 25 में से 23.5 थे, बट एट द सेम टाइम मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स थे। लेकिन ना ये मोमेंट पे मेरा जो ब्रेन था ना वो बस गुस्से से फटने वाला था, बिकॉज तुमने कुछ किया नहीं फिर भी तुमको पनिशमेंट मिलती है, तुमने कुछ किया नहीं फिर भी तुमको प्रिंसिपल मैम इतना सुनाते है। अब यार वो जो बुली का पॉइंट होता ना वो रीच हो चुका था। मैंने लिटरली अपने हर एक मार्क्स को इतने बोल्ड तरीके से बोला कि मैम ने भी पूछ लिया तुम्हारे घर वालों ने क्या बोला। देखो इन चीजों में ना मेरे को कोई दिक्कत थी नहीं, बिकॉज मेरे घर पे मेरे को हमेशा कम मार्क्स पे ये बोला जाता था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार और अच्छा कर लेना, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। और जब मैंने ये चीज मैम को बोली, मैम के बाजू में ना एक टीचर थे, उनको मैम देखकर बोलते हैं इसका कॉन्फिडेंस तो देखो, नॉट गोना लाई, सुकून का नाम सुना है, मेरे को मिला था उस टाइम पे। उसके बाद मैम ने हमको बिना पनिशमेंट के क्लास के अंदर भेज दिया। अब क्यों नहीं थी पनिशमेंट वो तो मैम को मालूम, लेकिन तुमको मालूम है कि मेरे को क्या मालूम है, मेरे को ये मालूम है कि मैं फेसबुक पे रोज लाइव आता हूँ, तो अगर तुम लोगों ने मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर अभी के अभी फॉलो करो। एंड अगर तुम लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आई रियली होप तुमको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। एंड ये वाली चीजें अपने स्कूल में बिल्कुल मत करना, मैं लक्की था मैं बच गया था, बट तुम नहीं हो सकते हो और तुमको दिक्कत हो सकती है। एंड अगर तुम मेरे पुराने स्कूल से हो बताना मत। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।